और मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। तो फिलहाल के लिए जो हमारी रैंक है लीडरबोर्ड में वो टॉप 5 है। हाँ, हमने थोड़े दिन से गेम प्लेस वगैरह नहीं खेले हैं जिसकी वजह से रैंक गिर गई है, बट कोई ना, हम उसे ट्राई करेंगे एंड तक थोड़ा सा होल्ड करने का #1। और रही बात करें टॉप 4 तक, जितने भी बंदे आपको पता ही है वो हैकर्स हैं तो उनका कुछ कर नहीं सकते। हाँ, क्राफ्टन वाले की थोड़ी मेहरबानी हुई तो कुछ बात अलग होगी। और सर्वर रैंकिंग भी #3 चल रही है, #1 पहुँच जाएंगे। मुझे सिर्फ 9 पॉइंट ही चाहिए तो उसे भी कर लेंगे हम #1 वापस। तो चलिए अब बात करते हैं गेम प्ले की। अब यहाँ पर गाइस हम थोड़े से अपने लूट वगैरह कंप्लीट करके थोड़े से बंदे ने स्पॉट करते रहते हैं कि यहाँ पर हमें यूएस दिख जाती है ओपन रोटेशन मारते हुए, तो यहाँ पर हम उसका पीछा कर ही रहते हैं कि तुम्हें हमारा जो टीममेट है यहाँ पर एक बंदे को नॉक दे देगा और यहाँ पर वो यूएस वाले बंदे फिलहाल के लिए इस कंपाउंड के आके पीछे कैम्प कर रहे थे, जिसमें से यहाँ पर उनकी गाड़ी भी स्पॉट हो जाती है। तो यहाँ पर एक नॉक निकल चुका था, तो यहाँ पर मेरा टीममेट व्हीकल के थ्रू क्लोज इन करता है और यहाँ पर मैं ऑन फुट एक अलग एंगल बनाता हूँ। और यहाँ पर जो उसका सेकंड बंदा था वो फिलहाल के लिए ब्रोकन वॉल के पीछे था, तो यहाँ पर देखो हम इसे कितना इजीली मारेंगे। अब यहाँ पर इस बंदे को मैंने अच्छा खासा डैमेज दिया था, बट यहाँ पर ये वाला किल मुझसे मिस हो जाता है। तो फिलहाल के लिए हम इनकी क्रिएट से थोड़ी सी लूट वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से जोन के मिड में जाते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा रोटेशन मारते रहते हैं ताकि बंदे ने स्पॉट हो जाए। और इतने में यहाँ पर हमें पीछे से एक गाड़ी का साउंड आता है जो फिलहाल के लिए हम पे ही पुश कर रही थी। और यहाँ पर गाइस इस डो को हमने इजीली मार लिया। तो गाइस अगर आपको ये वाला डो का क्लच अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब यहाँ पर गाइस हमें भी डैमेज पड़ा था तो हम फटाफट अपने आपको हील करते हैं और इनकी क्रेट से थोड़ी सी लूट वगैरह कर लेते हैं। अब वहाँ से गाइस अपनी लूट कंप्लीट करके हम हमारे पीछे जो कंपाउंड था लाइक जो जोन के मिड में था, हम वापस से यहाँ पर आते हैं। फिलहाल के लिए यहीं पर होल्ड करते हैं बिकॉज हमारे पास अच्छे खासे किल्स हो चुके थे, तो बस होल्ड करना है और थोड़े से किल्स वगैरह निकालना है जो बंदे ओपन म्यूटेशन मारेंगे या फिर थर्ड पार्टी किल्स। इतने में गाइस हमारे सामने जस्ट कंपाउंड थे दो सिंगल्स, वहाँ पर दो बंदे आए थे जो फिलहाल के लिए तो कंपाउंड के कवर में थे, बट यहाँ पर ये हम पे शॉट ले रहे थे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बानस के अंदर जाता हूँ और यहाँ से इन पे थोड़ा सा आर्म से एक आधा नॉक निकालने का ट्राई करता हूँ। और यहाँ पर इन्होंने हमारे टीममेट्स को थोड़ा सा डैमेज दिया जो फिलहाल के लिए कवर में चला जाता है। तो यहाँ पर हमें एक मौका मिल चुका था एक आधा नॉक निकालने का। और यहाँ पर कैसे ये बंदा कुछ ज़्यादा ही ओपन में हमें पिक दे रहा था, तो यहाँ पर हम इसे इजिली नॉक दे देंगे। तो यहाँ पर कैसे हम पटाक से अपनी व्हीकल लेते हैं और सीधा इन बंदों पर पुश कर देते हैं। और यहाँ पर गाइस अगेन हम सिर्फ डैमेज ही दे पाते हैं और जो किल्स हैं वो हमारे टीममेट के पास चले जाते हैं। तो कोई ना गाइस यहाँ पर हमारी थोड़ी गलती थी, लाइक मुझे एडीएस से फाइट नहीं लेना चाहिए था, मुझे हिप फायर ही लेना चाहिए था। तो कोई ना, इन्हें मार के थोड़ी सी लूट वगैरह कर लेते हैं और उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट जोन था वो हमसे कट जाता है, तो हम वहाँ से व्हीकल लेते हैं और सीधा जोन के मिड में पुश करते हैं। बिकॉज गाइस ये वाला गेम प्ले हमने थोड़ा सा रश गेम प्ले खेलने का ट्राई किया था। और यहाँ पर गाइस हम जैसे ही आते हैं यहाँ पर ऑलरेडी एक डुओ होल्ड कर रहा था जो फिलहाल के लिए तो बानस के अंदर था, तो यहाँ पर मेरा टीममेट थोड़ा सा क्लोज इन करता है और उन पर नेट्स वगैरह ट्राई करता है। और यहाँ पर से गाइस मैं भी नेट प्रॉपर कर नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पर मैं भी क्लोज इन कर लेता हूँ और फिर यहाँ से इनके ऊपर नेट्स वगैरह ट्राई करता हूँ ताकि एक आधा नॉक निकाल सकूँ और फिर इस डुओ को वाइप आउट कर सकूँ। और यहाँ पर गाइस इस जो को हमने एकदम इजीली मार लिया। और यहाँ पर गाइस मुझे भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा था तो मैं अपने आपको हील वगैरह करता हूँ और इनकी क्रिएट से थोड़ी सी लूट वगैरह भी कर लेता हूँ। अपने आप को हील करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा बानों के बाहर आता हूँ और बंदे ने स्पॉट करता रहता हूँ। कितने में यहाँ पर गाइस एक ड्रोन ने हम पे डायरेक्ट पुश कर दिया तो फिलहाल के लिए बानों के उस साइड थे, तो यहाँ पर मैं उन पर एक नेट को करने का ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पर ये ड्रोन कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव था जिसके एक बंदे ने यहाँ पर हम पे डायरेक्ट पुश कर दिया, बट यहाँ पर जो हमारा टीममेट है वो इसे इजिली नॉक दे देगा। तो यहाँ पर बस एक लास्ट टीममेट बचा था जो फिलहाल के लिए यहाँ पर इन बॉक्सेस के पीछे था, तो यहाँ पर हम इन पर थोड़े से नेट्स वगैरह ट्राई करते हैं।
अब यहाँ पर गाइस इस पर मैंने 3 या 4 नेट ट्राई किए बट सब मिस हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमने चाहते कि ये बंदा रिवाइव हो जाए, तो यहाँ पर हम इस पर डायरेक्ट पुश कर देते हैं। और यहाँ पर गाइस स्मोक के अंदर हमने एक रैंडम फायर दिया और यहाँ पर इसके लास्ट बंदे को भी हम इजिली मार देंगे जो फिलहाल के लिए उन्हें रिवाइव दे रहा था। और यहाँ पर मुझे भी थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा था, तो मैं अपने आपको पूरा फुल बूस्ट करता हूँ। और इतने में गाइस हमें यहाँ पर जोन के बाहर से बंदे आते हुए स्पॉट हो जाते दो, जिसमें से एक बंदे को यहाँ पर गाइस मैं एक शॉट देता हूँ उनका, बट फिलहाल के लिए उसे डैमेज दे पाता हूँ। बट यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट है, मुझे ओपन में स्पॉट हो जाता है जिसे यहाँ पर मैं इजिली नॉक दे दूंगा। बट इतने में गाइस यहाँ पर जोन के बाहर से एक बगी हमारे सामने वाले कंपाउंड पे आ जाती है जो फिलहाल के लिए कवर के अंदर थी, और यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा ओपन थे तो हम फटाक से पहले तो बानोस के अंदर आते हैं और नेड्स और मॉली के थ्रू इनका थोड़ा सा स्वागत करने का ट्राई करते हैं ताकि 1000 नॉक निकाल सके और फिर इस जुओ को भी पुश करके मार सके। अब यहाँ पर गाइस हमारे जो थ्रोबल के थ्रू तो कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर मैं इन पे थोड़ा सा क्लोजिंग करने का ट्राई करता हूँ। बट इतने में मुझे यहाँ पर एक बगे का साउंड आता है राइट साइड में। फिलहाल के लिए गाइस ये बंदा हमसे मिस हो जाता है और यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा ओपन में आ चुका था, तो मैं फटाक से इस शैक में आता हूँ और यहाँ पर से इससे एंगल बनाने का ट्राई करता हूँ कि गलती से भी इसका हेड या फिर कोई बॉडी पार्ट दिखता है तो इसे हम ओम के थ्रू मारने का ट्राई करेंगे। बट यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल पिक नहीं देता और यहाँ पर ये कवर में रहता है। और इतने में यहाँ पर गाइस नेक्स्ट जोन कट चुका था जो फिलहाल के लिए हमसे 70 मीटर दूर था। अब यहाँ पर गाइस इस बंदे को मैंने लिटरली 10 SP छोड़ा था बट यहाँ पर ये बंदा हमसे मिस हो जाता है। और यहाँ पर गाइस मुझे भी एक मौका मिल चुका था जोन में एंटर करने का, तो यहाँ पर मैं फटाक से राइट साइड से थोड़ा सा एंगल बना के जोन में एंटर करता हूँ। और हमारे क्लोज के कंपाउंड में जो बंदे थे जिन्हें फिलहाल के लिए यहाँ पर जोन में आना था, तो यहाँ पर इन्हें ओपन म्यूटेशन मारना था, तो यहाँ पर बस मैं इनका वेट करता हूँ जोन में आने का ताकि इनके फ्री किल्स उठा सकूँ। और यहाँ पर गाइस थर्ड पार्टी करके हमने इस जो को एकदम इजीली निपटा दिया। फर्स्ट प्रे में गाइस ये हमसे मिस हो जाते हैं बट यहाँ पर थर्ड पार्टी में उनका किल्स निकाल ही लेते हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर मुझे आइडिया था कि रिच पे कोई ना कोई तो बंदा होगा, बट यहाँ पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट में कुछ ज़्यादा ही आगे चला जाता हूँ। और यहाँ पर गाइस मेरी एक गलती और यहाँ पर हमारा गेम फिनिश हो जाता है। तो गाइस आप एंड सिचुएशन में कभी भी ऐसी गलती मत करना। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर।